जसगीत जगराता गरबा डांडिया की धूम से मां दुर्गा की भक्ति से शहर सराबोर है। वहीं दुर्गा पूजा पंडालों और झांकियों में श्रद्धालुओं की कतारें भी लग रही है, तो प्रमुख देवी मंदिरों में हजारों की संख्या में मनोकामना ज्योति जगमगा रही है। इसी कड़ी में आमती नगर हुटको में रविंद्र निकेतन द्वारा संचालित कालीबाड़ी में 5 दिवसीय बंगाली दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बंगाली समाज के लिए गुरुवार का दिन विशेष रहा। नवरात्र के महाअष्टमी पर कालीबाड़ी में विशेष संधि पूजा की गई। इसके साथ ही 108 कमल पुष्प एवं दीपों से देवी मां की पूजा की गई। शाम को संधि पूजा की गई। इसके बाद शाम को हुई संध्या आरती में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। दुर्गा मां के जयकारे व ढाक ताशे के साथ दुर्गा पूजा का उल्लास और उमंग चरम पर था। इस दौरान हुटको स्थित कालीबाड़ी पहुंचे दुर्ग सांसद विजय बघेल एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने माता की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। नवरात्र के पावन अवसर पर हुडको स्थित कालीबाड़ी में भव्यता से माता दुर्गा की स्थापना की गई है। बंगाली समाज के द्वारा रविंद्र निकेतन के द्वारा कालीबाड़ी परिसर में माँ दुर्गा की स्थापना कर विधिवत पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही प्रतिदिन यहां पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम समाज के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसके साथ ही यहां लगा मेला भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर रोजाना गीत संगीत का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। गुरुवार को आयोजित गीत संगीत के प्रोग्राम में जनप्रतिनिधियों के पहुंचने का भी दौर चला। इस दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे और साथ ही जिले के सांसद विजय बघेल विशेष रूप से शामिल हुए। हमको गाने होने का बहुत शौक रहा नहीं, लेकिन एक यही गाना हमको पसंद आया थोड़े से कॉलेज लाइफ से, यही एक गाना। और जब कभी कोई बदलता है तो उसको बोल देता हूँ ये वाला एक तो सुना जाए। और इसमें जीवन का, जैसे पिक्चर का नाम भी इम्तिहान था, अगर हम जीवन को देखें तो रोज़ सवेरे से शाम रात तक रोज़ हम किसी न किसी इम्तिहान से गुजरते हैं। और हमको हर इम्तिहान से गुजरना होता है। नंबर कितना मिलता है ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इम्तिहान तो देना पड़ता है। इसलिए इम्तिहान देने की आदत बनी रहनी चाहिए, वही जीवन है। नंबर को अपने हाथ में दिए हम सब चार दिन की जिंदगी वाकई में किताबों को हटकर और नौ दिन तक स्थापित करके हम तो मुसाफिर की तरह हर उम्मीद एकता हो घर में बच्चे संस्कारवान बने हमारी तरह से आशीर्वाद मुसाफिर की तरह हमारे और हर जगह कालीबाड़ी में हमारे बंगाली भाइयों द्वारा बंगाली रिकॉर्डिंग स्टूडियो से निकल कर जाने कितने कलकत्ता की है वैसा काल की तरह आपके और मेरे घर में दस्तक देते हैं। दरवाजा खोलते ही उगी अति उत्साह और आनंद के साथ हमारे बंगाली भाई बहन उन्हीं की जो के स्वरूप में एक बड़ा त्यौहार अगर माने वेस्ट बंगाल का हमारे बंगाली भाइयों बहनों का ये दुर्गा उत्सव होता है। मैं इसकी ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और माँ सबसे मनोकामना पूर्ण कर प्रार्थना भी करता हूँ। सर दो दिन के बाद दशहरा पर्व है, देखिए क्या है, हम लोग 9 दिन तक दुर्गा से शक्ति भाव के साथ के अहंकार रूपी द्वेष रूपी ईर्षा रूपी क्रोध रूपी रावण का दहन करके अपने अंदर शुद्धिकरण करें। रावण को उसी का प्रतीक के रूप में हम लोग दहन करते हैं और इस भाव के साथ हमारे अंदर भी इसी तरह द्वेष अहंकार और क्रोध ईर्षा जो भरा पड़ा है उसको भी हम जलाकर बच करें और एक भाईचारे के रूप में हम सब अपना जीवन ये एक दूसरे से प्रेम करें स्नेह करें एक दूसरे से भाईचारे के रूप में। बहरहाल आने वाले दिनों में यहाँ पर महाभंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।